हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ज्योग्राफी कर रहे थे, तो हम सब अभी जैसे वोल्केनो अर्थक्वेक्स वगैरह किए थे, तो आज जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है माउंटेन रेंजेस। मतलब कितने टाइप्स की माउंटेन होती हैं, और साथ में जो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स में पहली टाइप आती है, उसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जो माउंटेन होती हैं जब जो कंप्रेशन से बनती हैं, उन्हें कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और ये जो होती हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिमालय, जो यंग माउंटेन्स भी कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स को, जो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट जब टकराई थी, मतलब आपस में, तो उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। और जो एंडीज है, रॉकी है, ये भी किसमें आती है? ये भी आती है फोल्ड माउंटेन में। और सेकेंड तरह की माउंटेन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लॉक माउंटेन। देखिए, जैसे जब धरती पे भूकंप वगैरह आता है, तो कुछ जो धरती होती है वो थोड़ी धस जाती है, या कुछ धरती जो है वो उड़ जाती है। तो इनसे क्या होता है? इनसे ये ब्लॉक्स का निर्माण होता है। ये आपने देखा, जैसे ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स होने हैं, ठीक है। और रिफ्ट वैली जो है वो भी ब्लॉक माउंटेन्स की वजह से ही बनती है। तो इसका एग्जांपल है नवादा माउंटेन, ये यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है। ये किसके एग्जांपल है? ये है ब्लॉक माउंटेन के। नेक्स्ट है रेजिडुअल माउंटेन। अब जैसा कि हमने ये देखा था, जो यंग माउंटेन है, ये ऐसे होती हैं, एक साथ चली होती है। लेकिन रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होंगे? जैसे थोड़ा चलेंगी, फिर बीच में गैप आएगा, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगी, फिर गैप आएगा, फिर इन्हें बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। और इंडिया में ये काफी ज्यादा है, जैसे कि देख सकते हैं आप विंध्या, जो कि मध्य प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट, और अरावली जो कि राजस्थान में, ये सब रेजिडुअल माउंटेन्स के पार्ट है। नेक्स्ट है डोम चेप माउंटेन। इसमें क्या होता है? ये जैसे बताया, धरती के नीचे जो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, इसकी वजह से कई बार जब यहाँ इसके नीचे जो है, जब लावा फूटेगा तो जगह नहीं होती इसको निकलने के लिए, तो इसके कारण क्या होता है? ऊपर जो है डोम सा बन जाता है, तो इन्हें बोलते हैं डोम शेप माउंटेन। और इसके मेन एग्जांपल है ब्लैक हिल्स और हेनरी हिल्स। और ये कहाँ पे है? ये है यूएसए में। तो दोस्तों, हमने चार तरह की माउंटेन कर ली: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन और डोम शेप माउंटेन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैदान जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये है यूरोप में, और पठार यानी कि प्लेटू तो ये है अफ्रीका में, और पर्वत पर्वत है एशिया में। जैसे कई एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एशिया को। और बर्ड्स का महाद्वीप कौन सा है? तो ये है साउथ अमेरिका। और प्यासी भूमि का देश तो ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इससे प्लीज कंफ्यूज मत हुएगा कि प्यासी भूमि है तो कोई डेजर्ट वगैरह एरिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्यासी भूमि का देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए, अब हम करते हैं वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस, जो डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड में प्रेजेंट, और हमें क्वेश्चन आते हैं तो ये पता होना चाहिए आपको। जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की है जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, ये है एंडीज। ये कहाँ का? वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीनिया, यहाँ पे आती है। और इसकी एकनकागुआ हाईएस्ट पीक है इसकी, एंडीज की। और ये चिम्बोराजो, कोटापैक्सी, ये इक्वाडोर में आते हैं, और ये एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर भी आते हैं। और नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन रेंज, और ये कहाँ है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। और रॉकी माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट है माउंट एल्बर्ट पीक, ठीक है। और अलास्का जो है, जो यूएसए में, ये भी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट माउंटेन है,
मैकेनली, ठीक है, ये कनाडा और यूएसए में बनता है, इसका मतलब बॉर्डर पे है, तो ये याद रखना, हाईएस्ट माउंट मैकेनली है यूएस, और यूरोप का कोकासस माउंटेन रेंज, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है एलारबस, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कोकासस माउंटेन रेंज, और एल्प्स, एल्प्स जो है ये है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अफ्रीका, अफ्रीका जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये है पठारों का द्वीप, और इस इसमें सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी नहीं होता, अच्छे फेमस है एटलस माउंटेन रेंज, और सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है माउंट किलिमंजारो, और ये कहाँ पे है, ये है तंजानिया में, और ये जो माउंट किलिमंजारो है ये एटलस के अंडर नहीं आती, और माउंट कैरावन ये भी अफ्रीका में है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, और आज का लास्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें मेन आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया में आती है, तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब एशिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन ये है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकनले, और साउथ अमेरिका की अकानकागुआ, अकानकागुआ साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका की माउंट विंसन, और यूरोप की माउंट एल्बर्स, और ऑस्ट्रेलिया की कोस्किस जिको, ये दोस्तों बहुत टफ टफ नाम है, तो इनका थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, इसे मैंने आपको डिफरेंट जो चार तरह की माउंटेन रेंजेस हैं वो बता दी, और बाकी मेन मेन वर्ल्ड की आपको मेन क्वेश्चन ये आएंगे कि ये आपको ये बताना है एंडीज कहाँ पे है, रॉकी कहाँ पे है, तो आपको ये बताना चाहिए, और मेन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ऑप्शन में जैसे होगा ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ठीक ठीक मार्क करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू।